इस क्वेश्चन में कहा गया है इफ x इज इक्वल टू 7 माइनस 4 रूट 3 देन द वैल्यू ऑफ रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स इज यू हैव टू फाइंड द करेक्ट चॉइस। इस क्वेश्चन को करने से पहले ये बात याद रख लो, कभी भी a प्लस 2 रूट बी लिखा हुआ हो और हमने इसको सिंप्लीफाई करना हो तो दो ऐसे नंबर सोचो जिनका सम ए हो और प्रोडक्ट बी हो। यदि वो नंबर अल्फा और बीटा है तो इसकी वैल्यू होगी अंडरूट अल्फा प्लस अंडरूट बीटा। लेकिन ध्यान देना ये प्रोसीजर एप्लीकेबल होने के लिए यहां पे 2 का होना जरूरी है। यहां पे कोई और नंबर होगा तो हम पहले यहां पे 2 को लेके आएंगे उसके बाद ही हम आगे चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल 5 प्लस 2 अंडर 6 को कैलकुलेट करना हो तो दो ऐसे नंबर सोचो जिनका सम 5 हो और प्रोडक्ट 6 हो। क्लियरली वो नंबर 2 और 3 है तो इसकी वैल्यू आएगी रूट 3 प्लस रूट 2 और यदि बीच में माइनस होगा तो वैल्यू आएगी रूट 3 माइनस रूट 2। और जैसा कि इस क्वेश्चन में हमको इसका रूट निकालना है, जैसा कि मैंने अभी अभी बताया था यदि बीच में माइनस होगा तो यहां भी माइनस आएगा लेकिन मॉड लिखना होगा क्योंकि हमको शुरू में पता नहीं है कि अल्फा बड़ा है बीटा बड़ा है। यदि हमको पता हो कि अल्फा बड़ा है बीटा छोटा है तो फिर मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। तो अंडरूट 7 माइनस 4 रूट 3 को कैलकुलेट करना है मतलब कि 7 माइनस 2 अंडरूट 12 को कैलकुलेट करना होगा क्योंकि हमको बाहर में 2 लेके आना है इसलिए मैंने ऐसे लिखा। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए मेरे को दो ऐसे नंबर सोचने होंगे जिनका सम 7 हो और प्रोडक्ट 12 हो। क्लियरली वो नंबर 4 और 3 है तो आंसर आएगा रूट 4 माइनस रूट 3 दैट इज 2 माइनस रूट 3। तो इसकी वैल्यू हो गई 2 माइनस रूट 3, इसकी वैल्यू हो गई 1.2 माइनस रूट 3। तो आंसर आया 2 माइनस रूट 3 प्लस 1.2 माइनस रूट 3 दैट इज 2 माइनस रूट 3 प्लस दैट इज द आंसर इज 4। इसलिए करेक्ट चॉइस हो गई बी।